अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनजर कासमी। आज 19 सितंबर 2022 है। एक बहुत अहम खबर दारुलूम वक्फ़ देवबंद से मौसूल हुई, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन आपको यकीन ही नहीं होगा ये खबर इतनी ख़तरनाक और इतना अहम हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन, दारुलूम वक्फ़ देवबंद के मायनाज उस्ताद हज़रत मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर की नमाज जनाजा में जिन्नात शरीक हुए। आप स्क्रीन पर जिन्नात की तस्वीर देखेंगे, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि आप वीडियो में जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिन्नात और इंसान में क्या फ़र्क है। जी हाँ नाज़रीन, आप ये नीले कुर्ते वाला और ये सफ़ेद कुर्ते वाला, जिनके हाथ लंबे लंबे नज़र आ रहे हैं, ये जिन्नात ही का हाथ हो सकता है। इतना लंबे हाथ इंसान का नहीं हो सकता है, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह के पोते हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह के नमाज जनाजे में भी जिन्नात शरीक हुए थे। आपको ताज्जुब करने की बात नहीं है। और ये मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर दारुलूम वक्फ देवबंद के मायनाज उस्ताद हैं। इनकी नमाज जनाजा में जिन्नात का शरीक होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह के जनाजे में जिन्नात शरीक हुए और एक काफ़ी हंगामा भी हुआ था। आप नक्शे दवाम सफ़ा नंबर 59-60 पर देख सकते हैं, जिसमें ये बात लिखी है कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह जब वफात पा गए तो एक ऐसी आवाज़ आई जिसे सुनकर काफ़ी तलबा ने सुना और उन पर क्या असर पड़ा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह वफात के बाद जय एक ऐसी शोर हुई कि तलबा नौतरा के अंदर सो रहे थे और वो जिन्नात की आवाज़ इस तरह आई कि तुम सो रहे हो और इस दुनिया से, यानी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह वफात हो गए और तुम सो रहे हो। एक ऐसी आवाज़ थी, एक अजीब सा लग रहा था। उस वक्त शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह बहायात थे, और वो वहाँ से निकले और काफ़ी तलबा को भी मालूम ये बात हुई, तो सारे जैसे कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह घर की तरफ रवाना हो गए। जी नाज़रीन, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये उनके पोते मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर हैं। इनकी जनाजे की नमाज में जिन्नात शरीक हुए, और ये दारुलूम वक्फ देवबंद के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अहमद खिज़र शाह के चचेजाद भाई हैं, और ये दारुलूम वक्फ के मायनाज उस्ताद और अदीब थे। हज़रत वाला रहमतुल्लाहि अलैह की सादगी जिसे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाहि अलैह किस तरह सादा रहा करते थे, और जिन्नात का शरीक होना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मुसलमान जिन्नात होते हैं उनके ऊपर भी नमाज फ़र्ज़ है। जिस तरह मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह मुस्लिम जिन्नात पर भी नमाज फ़र्ज़ है, और जनाजे की नमाज में जिन्नात भी शरीक होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये वीडियो हमें कई जगह व्हाट्सएप पे फ्रेंड ने, साथियों ने शेयर किया कि आप इसको न्यूज़ में डालिए। ये हकीकत पर मबनी है, ये नमाज जनाजा में जिन्नात का शरीक होना कोई ताज्जुब खेज नहीं है।